हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज मैं व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, यहीं से करती हूँ मतलब। तो हमारी सोसाइटी में था बांके बिहारी जी का कीर्तन, तो उसमें गई थी मैं। तो चलिए आप सब भी बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए, और बहुत ही अच्छे भजन गाए थे जो कीर्तन वाली जो मंडली थी उन्होंने, और आप सब भी। और हमारे मतलब रिलेटिव में किसने ली है न्यू कार, वो आए थे सरप्राइज देने, लेकिन हमने खुद ने ही उनको सरप्राइज कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कोई सरप्राइज देने आता है तो आजकल फ़ोन की सुविधा इतनी हो गई है कि जैसे उन्होंने कार ली और तुरंत स्टेटस पे डाल दिया, तो उससे हमें पता चल गया कि भाई ये उनकी गाड़ी है, नंबर वगैरह सब मिल गया था। तो हम सोसाइटी में घूम रहे थे, तो हमने वो गाड़ी देखी, मैंने कहा अच्छा ये सब आए हुए हैं। तो वो आए थे हमें सरप्राइज़ करने, तो हमने खुद ने ही उनको सरप्राइज़ कर दिया। तो आप देखते रहिए मेरा व्लॉग शालू बालियान, कैसा लगता है व्लॉग ज़रूर बताना। Yeah।
कुछ बोल लो, कुछ बोल भाई। हाय गाइस, तो आज हम नमक पारे खा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा गुलदाना भी है क्योंकि आज कीर्तन था, कीर्तन में मिला था प्रसाद गुलदाना। ओ तूने बिखेर दिया। एक वो उधर वो खड़ा है। अरे इधर कौन है ये? मैंने सोची कोई पोज बना के खड़ा। आंखों का अंधा बोल बोल के पास ही सारा अनाज को ये गला देते हैं और मैं सिर्फ फैक्ट्रियों पे इनमें बेच देते हैं दो रुपए की खराब और खराब वालों को या जो को खराब वालों को फिर क्या। हम बोलते ही कहाँ है, हम तो बहुत सीधे साधे से। इनकी आपस में लड़ाई सरकार के वेर आ रहे हैं ना, किस पता चल जाए किसने किसके मारा ये देख। प्लस रहता तो गवर्नमेंट क्या करती, अरे कौन जीतता लड़ाई में इसको भी वोट कर देती विदेशों में। अब उससे पैसा क्या हुआ, क्या हुआ अब किसानों को उसका ओवर हाँ अभी तो कह तो रात दो सिलेंडर आप कैसे खुले वही पे वो है टाटा के लोगों के नीचे।